सोमवार को रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में उस वक्त हंगामा हो गया जब गले में आला डालकर एक युवक लोगों का इलाज कर रहा था। सिक्योरिटी गार्ड ने आरोप लगाया कि वो डॉक्टर की कुर्सी पर भी बैठा करता था। सिक्योरिटी गार्ड ने युवक को जमकर फटकार लगाई जिसके बाद पूरा मामला सुर्खियों में आ गया। युवक का नाम क्षितिज तिवारी बताया गया है जो रेडियो विभाग से डीएमएलटी का कोर्स कर रहा है। हंगामे के बाद अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों और लोगों ने युवक को घेर लिया। जानकारी के मुताबिक युवक विनोद तिवारी का पुत्र है जो याम शाह मेडिकल कॉलेज में स्पोर्ट्स टीचर के पद से रिटायर हो चुके हैं। हंगामे की स्थिति को देखते हुए संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मरीजों के मुताबिक युवक अक्सर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आला डालकर वार्ड के मरीजों की धड़कन सुनता है। मरीज का कहना है कि युवक उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी चेक करता था, साथ ही इलाज भी बताता था। वहीं पूरे मामले में अस्पताल के अधीक्षक राहुल मिश्रा का कहना है कि युवक डीएमएलटी का कोर्स कर रहा है, इस वजह से अस्पताल आ गया होगा, लेकिन अगर वार्ड में जाकर मरीजों का चेकअप करता था तो वो गलत है, जिसकी जांच कराई जाएगी।